मेरे शादी मुबारक में आज होगा केटी और प्रीति का पहला किस। जी हाँ, आज से शायद इनके रोमांस की शुरुआत होगी। और ये सब कुछ कैसे होता है, वो सारी अपडेट बताने के लिए हम हैं आपके पास। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि नंदिनी पूरी कोशिश कर रही है केटी और प्रीति के रिश्ते में दरार लाने की, दूर करने की, और केटी की जिंदगी में खुद को हासिल करने की। यहाँ आप देखेंगे पूरी कोशिश करती है, ऑफिस में पहुँच जाती है नंदिनी, और यहाँ पर वो हार देख करके, वो इंसिडेंट तो आपको पता चल ही गया होगा, वो हार देख के कहती है नंदिनी के गले, नंदिनी प्रीति के गले में हार देख के कहती है कि ये हार तो केटी ने मुझे मुँह दिखाई पर दिया था। केटी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि ओ माई गॉड, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने वो हार कैसे दे दिया प्रीति को जो मैंने नंदिनी को मुँह दिखाई पर दे दिया था। उसे लगा उससे गलती हो गई। खैर, यहाँ पर नंदिनी चली जाती है और केटी यहाँ प्रीति से कहता है कि आप वो हार दे दीजिए। प्रीति कहती है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन केटी जबरदस्ती वो हार खींच के डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे केटी के हाथ पर भी चोट लग जाती है और प्रीति के गर्दन में भी खरोच आ जाती है। खैर, यहाँ पर देखेंगे अचानक से फिर नंदिनी बाज आने वालों में से है नहीं। नंदिनी फिर एक मैसेज करती है केटी को, जब केटी और प्रीति ऑफिस से निकल रहे होते हैं। केटी प्रीति को कहता है काफ़ी टाइम हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। अचानक से प्रीति सामान सारा सामान पैक कर रही होती है और केटी उधर वो मैसेज देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और भूल जाता है कि उसे प्रीति को लेकर घर जाना है। अकेले ही केटी घर पहुंच जाता है। यहाँ घर पहुँच कर सब लोग पूछते हैं कि बहू कहाँ है, प्रीति कहाँ है। ऐसे में केटी को लगता है ओ माई गॉड, मैं तो प्रीति को भूल गया। और अचानक से वो फिर से प्रीति को लेने जा रहा है ऑफिस, तभी वहाँ पर पहुँचती है घर पे नंदिनी प्रीति को लेकर, और प्रीति के सर पे चोट लगी होती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि प्रीति को क्या हुआ। ऐसे में नंदिनी यहाँ कहती है कि केटी तुम तो अपनी पत्नी को भूल गए, क्योंकि तुम आज भी मुझे भूल नहीं पाए हो। तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उसे बचाया, मैं उसे लेके आई। दरअसल ये सारे एक्सीडेंट के पीछे भी नंदिनी का हाथ है, उसने जानबूझ के किया है। वो यहाँ पर आके बहुत सारी बातें कहती है, प्रीति को ये जताने की कोशिश करती है कि केटी ने बस यूं ही ये शादी कर ली, वो आज भी मुझसे प्यार करता है और उसके दिलो दिमाग में मैं ही हूं। केटी कई बार प्रीति से बात करता है तो कई बार उसे प्रीति की जगह नंदिनी कह देता है, और फिर प्रीति उसे याद दिलाती है कि मेरा नाम प्रीति है। केटी को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही यहां पर आप देखेंगे कि केटी प्रीति को यह जताना चाहता है कि वो उसे सच में बहुत प्यार करता है, उसे बहुत पसंद करता है। ऐसे में उसे वो अपने गर्दन पर प्रीति का नाम का टैटू लग बनवाना चाहता है और कहता है कि प्रीति को ये बात ना बताई जाए। अचानक से जैसे ही टैटू वाला टैटू बनाने की कोशिश करता है, प्रीति वहाँ पहुँच जाती है और टैटू बनवाने से रोक देती है। सभी को बाहर भेजती है और केटी से पूछती है कि आप क्या कर रहे थे। केटी यहाँ पर कहता है कि मैं आपसे प्यार कर रहा था, करता हूँ, और यही जताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में प्रीति बहुत ही गुस्से में कहती है कि प्यार जताया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, महसूस किया जाता है। इसके लिए प्यार को रंगों से, कलम से जताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में केटी प्रीति को कस के खींचता है और एक प्यारा सा सॉफ्ट सा उसकी चिक्स पर, एक उसके गाल पर एक किस देता है। यहाँ से होती है प्रीति और केटी की प्यार की शुरुआत। आई एम श्योर इन दोनों के बीच में नंदिनी कितनी भी आग लगाए, लेकिन दोनों बेहद ही समझदार हैं। शायद इनके रिश्ते के बीच में नंदिनी कितनी भी आने की कोशिश करे, वो आ नहीं पाएगी। हम भी यही दुआ करते हैं। देखते हैं शो में आगे क्या होता है। ये सारे ट्विस्ट, सारे अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।